तो यूपीएससी के रिजल्ट में हरियाणा के होनहार छात्र रैंक होल्डर्स बने हैं। हरियाणा के 30 युवाओं ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया है। हरियाणा के इन सुपर 30 ने अपने शानदार रिजल्ट के साथ अपना मुकाम हासिल कर लिया है और सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। यूपीएससी के रिजल्ट में हरियाणा के छात्रों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा के 30 युवाओं ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया है। शिवांश राठी, जसवंत मलिक, ये वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में, ये वो रैंक होल्डर्स हैं, यूपीएससी में 63वां रैंक हासिल करने वाले शिवांश राठी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बहादुरगढ़ से शिवांश है, जसवंत मलिक जो कि पानीपत से हैं, इन्होंने 115वीं रैंक हासिल की है, 46वीं रैंक हासिल करने वाले बने हैं भावेश ख्यालिया। तो अभिलाष सुंदरम जो कि बहादुरगढ़ से हैं, इन्होंने यूपीएससी में 421वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी की परीक्षा में 95वां रैंक प्राप्त करने वाली सृष्टि मिश्रा हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे सृष्टि मिश्रा से कि आखिर कितनी मेहनत उन्होंने की है और किस तरीके से इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया और इसमें किस किस का सहयोग उनके साथ रहा है। सृष्टि, पहले तो हम हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत करते हैं। तमाम जो परिजन है, खुशी का माहौल है, लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस उपलब्धि को? पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलब्धि का, मुझे बहुत खुशी है और मुझसे ज्यादा शायद मेरी मौसी और मेरे परिवार वालों को खुशी है और अच्छा लग रहा है बहुत। मौसी की बात कर रहे हैं जी, तो मौसी के पास ही रहते थे? पिछले लगभग 3-4 साल से मैं मौसी के पास ही रह के पढ़ाई कर रही हूँ, तो सबसे बड़ा योगदान मैं कह सकती हूँ कि मौसी का ही है मेरी पढ़ाई। मौसी का ही है। पापा क्या करते हैं? मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं और अभी वो साओ पाउलो ब्राजील में पोस्टेड है और वही मेरी पूरी फैमिली है। यूपीएससी का आइडिया कहाँ से आया? मेरे पिता ने ही मुझे ये आइडिया दिया था। जब मैं 8th में थी तो सिविल सर्विसेज क्या होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारा पापा ने लैपटॉप पे खोल के एक दिन बताया था मुझे कि ऐसा ऐसा होता है। तब मुझे शायद समझ में नहीं आया था कि आईएएस और ये सब क्या होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पापा का सपना, जब मुझे समझ आया कि क्या होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे वो सपना फिर मेरे सपने में बदल गया और वहां से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है। अन्य बेटियां भी हैं, वो भी जानना चाह रही होंगी कि भाई किस तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम भी फेस की होंगी, किस तरीके से पढ़ाई को पूरा किया, क्या मतलब परेशानी आई, किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे? मुझे लगता है फाइनेंशियली या किसी ऐसी तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। बहुत लोगों को वो दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, मुझे नहीं करनी पड़ी। एक चैलेंज जो सबसे बड़ा था वो ये था, मैं इंडिया में कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई में इंडिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं यहाँ आई थी और फर्स्ट ईयर में मैंने जब ग्रेजुएशन शुरू किया तो फिर मुझे ये पता था कि शायद 2 गुना या 3 गुना मेहनत मुझे करनी पड़ेगी बाकी एस्पिरेंट्स के मुताबिक। तो इस वजह से जो शायद लोग थर्ड ईयर में पढ़ाई शुरू करते हैं, मैंने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेस है नहीं और वो मुझे शुरू से बनाना पड़ेगा। तो वही एक चैलेंज था और वो मैंने दिया, ध्यान दिया उस पर। कितने घंटे पढ़ाई आपने? मेरा लगभग 8 से 10 घंटे हो जाते थे, कभी कभी ज्यादा टाइम होता था 14 घंटे भी हो जाते थे। और ये मुझे नहीं लगता कि घंटों से नापना चाहिए, कितने अच्छे से और कितनी समझदारी से आप उस टाइम में पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। आज के युग में फोन आधुनिक युग है तो फोन भी एक हिस्सा बन गया है जिंदगी का। कुछ लोग उससे गलत सोचते हैं, कुछ उसको यूज भी करना जानते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि मोबाइल ऐसी चीज है जहां से आप फायदा भी निकाल सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। और आज के जमाने में मुझे लगता है फायदा बहुत है, इंटरनेट पे सारी चीजें मिल जाती हैं, जो किताबें आपको पहले लोगों को ढूंढनी पड़ती थी वो सीधा सीधा मिल जाती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। वैसे अगर देखा जाए सोशल मीडिया में मेरा बहुत लिमिटेड था, व्हाट्सएप था, उससे पापा मम्मी से बात होती थी और मम्मी पापा ने ये भी कहा था कि मतलब कम से कम लोगों के नंबर रखो और जितना कम हो पाए बातें ना करो लोगों से, तो सोशल मीडिया से बचने को ही कहा था उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि बचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप अगर मच्योर हैं, आपको समझदारी है, तो आप कितना भी सोशल मीडिया यूज करें वो आपको बिगाड़ेगा नहीं।
और अगर आपको बिगड़ना ही है तो आप सोशल मीडिया नहीं भी यूज करेंगे तो भी आप बिगड़ जाएंगे। तो मच्योरिटी है, आपकी समझ है, उस हिसाब से करिए। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि कोई प्रबंधन है सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता होना कई बार चाहिए। बाधक बन जाता है पढ़ाई में, ऐसा बताते हैं मोबाइल, मगर कंट्रोल, आपने मुझे लगता है अगर नियंत्रण है इंसान को कि नहीं बस इतने घंटे चलाना है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है उसमें। वो इंसान फोन रख भी सकता है, छोड़ भी सकता है। अब यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी यूज तो करना पड़ता है, बिल्कुल उस पर चाहे कोई मूवी भी देख सकता है या तो कोई बैठ के यूपीएससी का कोई वीडियो देख सकता है। बिल्कुल तो सृष्टि, कोई ऐसी बारीकी बताओ जो बच्चे उसकी तरफ जो मेहनत कर रहे हैं वो किस तरीके उसमें कामयाब हो सकते हैं। मुझे लगता है यूपीएससी के हिसाब से, जैसे प्री और मेंस में अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखें और जो टॉपर्स के कॉपीज होते हैं, मुझे लगता है उससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था। कि कई लोग सोचते हैं पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ते ही नहीं रहना, प्रैक्टिस भी करना है कि एग्जाम चाहता क्या है, आपको क्या लिखना है, कितनी देर में, कितने जगह में, वो समझना बहुत जरूरी होता है। वो अगर समझ में आ गया तो फिर आप क्रैक कर लेंगे आराम से। तो ये थी सृष्टि, इनकी मौसी भी हैं, उनसे हम जानते हैं। आपके पास रही है बेटी, किस तरीके से देखा आपने बेटी को, कितनी मेहनत बेटी ने की। हमारी बेटी इतना परिश्रम की है, इतना परिश्रम की है। हम कभी कहते थे हमारे पास बैठ जाओ बेटा, तो कहती थी नहीं मौसी, यही समय है हमें पढ़ने का, उसको कुछ करके दिखाने का। बस खाना खाने के लिए पास में आती थी, उसके बाद ही फिर पढ़ने के लिए उस कमरे में चली जाती थी। एक और रूम है मेरा जिसमें ये पढ़ाई करती थी, वो इसके पढ़ाई के लिए लिया गया था क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ होता रहेगा घर में बातचीत, तो इसलिए डिस्टर्ब होगा, इसलिए मकान और लिया गया है इसको पढ़ने के लिए। हमारी बिटिया इतना मेहनत की है, आज उसको माता रानी ने सफल बनाया है। कहीं ना कहीं सफल बनाया है मेहनत ने, और काफी मेहनत के बाद जो सृष्टि मिश्रा अपने मुकाम तक पहुंची हैं, और उसका श्रेय वो अपने परिवार को दे रहे हैं, साथ ही अपनी मौसी को खासकर दे रहे हैं जहां उन्होंने रहकर पढ़ाई की और इस मुकाम को हासिल किया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो यूपीएससी के वो हरियाणा के होनहार आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिन्होंने नाम रोशन कर दिया है प्रदेश का। फरीदाबाद से सृष्टि मिश्रा जिन्होंने 95 रैंक हासिल की, सोनीपत से कुहू गर्ग, महेंद्रगढ़ से सिमरन सिंह, सिरसा से कोमल गर्ग, हिसार से जया शर्मा, करनाल से गिरिशा, पंचकूला से कांश ढूल, रोहतक से प्रगति वर्मा, झज्जर से उदित कादियान, कैथल से शुभम सिंगला, सिरसा से मनु वर्मा, रेवाड़ी से हितेश शर्मा, झज्जर से कनिका यादव, महेंद्रगढ़ से दीपक यादव, गुरुग्राम से प्रख्या, हिसार से आशीष बिश्नोई, बहादुरगढ़ से नेहा जीन, से साहिल ढिल्लो, सोनीपत से निश्रो त्यागी, ये वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से रूहानी जिन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है, शौर्य ने 14वीं रैंक जो कि बहादुरगढ़ से है, हिसार से भावेश ने भी 46वीं रैंक हासिल की है।